खटीमा नगर पालिका सफाई कर्मियों ने की तालाबंदी, साथ ही लगा नगर पालिका चेयरमैन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे। बताते चले कि नगर पालिका खटीमा में विगत 3 माह से वेतन नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों ने आज भी कार्य बहिष्कार कर नगर पालिका गेट पर तालाबंदी कर नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। नाराज पालिका कर्मियों ने वेतन नहीं मिलने तक कार्य बहिष्कार करने की बात कही। वहीं नाराज सफाई कर्मियों का कहना है कि उन्हें विगत 3 माह से वेतन नहीं मिला है और 4th महीना शुरू हो गया है। वहीं वेतन नहीं मिलने के कारण उनके आगे भुखमरी के हालात पैदा हो चुके हैं, जिसके चलते उन्हें नगर पालिका की तालाबंदी करनी पड़ी है। पूर्व में नगर पालिका प्रशासन के साथ हुई मीटिंग में नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका द्वारा 2 जनवरी को उनकी बकाया 3 माह की तनख्वाह देने का वादा किया गया था, लेकिन आज 20 जनवरी हो गई है और अभी तक नगर पालिका द्वारा उनको वेतन नहीं दिया गया। साथ ही कहा गया कि जब तक वेतन नहीं मिलेगा तब तक किसी भी कर्मचारियों को नगर पालिका में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। यहाँ सफाई कर्मचारियों को विगत 4-5 माह से वेतन भुगतान नहीं हुआ है, जिसकी मांग पालिका अध्यक्ष से ये लोग बराबर करते चले आ रहे हैं। संगठन के द्वारा भी कहा जाता रहा है, लेकिन कोरे आश्वासन केवल दिए गए। अभी 28 तारीख को बैठक हुई थी दिसंबर में, तो पालिका अध्यक्ष ने कहा था कि 2 तारीख तक भुगतान कर देंगे वेतनों का, लेकिन 2 तारीख को भी भुगतान नहीं होता है तो मजबूरी में जो है 16 तारीख से ये लोग कामबंद हड़ताल पर हैं। मिलने के कारण जो छोटी तनख्वाह के कर्मचारी हैं उनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है, उनके घरों में बच्चों को जो है स्कूल में फीस ना देने के कारण निकाल दिया जा रहा है, बहुत ही बाहरी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है और चेयरमैन को जरा सा भी उनके कान में जू भी नहीं दिख रही है। अध्यक्ष हैं वो हर मामले में कमीशन चाहती हैं, चाहे किसी भी काम का हो। उन्होंने अभी लाइट का मामला आया, लाइट में उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला कर रखा है, कई लाखों का घोटाला किया गया है, कोई नियमानुसार उन्होंने काम नहीं किया है। यहाँ कर्मचारियों जब उन्होंने 166 को रखा, उनको जो है 90,000 रुपये सुविधा शुल्क ली, उसके बावजूद भी उनको 8 महीने काम कराने के बाद घर बाहर कर दिया। जब से ये पालिका अध्यक्ष बनी है सोनी राणा जी, तब से इन्होंने और इनके पिता श्री जो पूर्व विधायक गोपाल सिंह राणा है मिल करके पूरे समाज को नष्ट नाबूद कर दिया है, लूट लिया है, घरों से बेघर कर दिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि मृतक लोग जो हैं आश्रित हैं उनके लिए नौकरी नहीं मिली है, मोनिस है, एरियल है, ये कुछ नहीं दे रहे हैं और जाओ तो अनाप शनाप मैडम वो गाली बकती हैं जी। चेयरमैन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी सफाई नहीं होगी।